शिमला के समरहिल क्षेत्र में शिव बावड़ी मंदिर में हुए भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का सातवां दिन है। अब तक 16 शव बरामद हो चुके हैं। शिमला के समरहिल क्षेत्र में शिव बावड़ी मंदिर में हुए भूस्खलन के बाद शवों का मिलना जारी है। सर्च अभियान के छठे दिन यानी शनिवार को मलबे से एक और शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान इस शर्मा के पुत्र पीएल शर्मा के तौर पर हुई है। मृतकों की संख्या 16 पहुंच गई है, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं। नहीं, एक भतीजा हमारा जो नहीं मिला है, बाकी 4 मिल गए हैं और बाकी और लोग भी हैं जो दर्शन करने आए थे। एक प्रोफेसर साहब के बेटे हैं, एक दादा पोती हैं, अभी 5 ये लोग रहे हैं, 4 लोग जो भी नहीं मिले। टोटल नंबर्स ऑफ मिसिंग थे वो 22 थे। 22 में से 16 बॉडी रिकवर हो चुकी है। अब थोड़ा मौसम भी साथ दे रहा है और उम्मीद करते हैं, हमारा पूरा प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे NDRF है, चाहे स्टेट की हमारी SDRF है, आर्मी है और फायर ब्रिगेड्स है, और इन सबसे बढ़ के जो गांव वालों का सहयोग है। लोअर समरहिल क्षेत्र के लोगों के घरों को लगातार खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समरहिल का हाल भी जोशीमठ की तरह हो जाएगा।